উদ্বোধন করছেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। और उस दिन मुझे लग रहा था कि आज मुश्किल है, और एक छोटी सी बच्ची आई, दौड़ती हुई आई मेरे पास और मुझे कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लिखा है, मगर तुम अभी मत पढ़ो, इसको बाद में पढ़ना। और फिर वो मुझे गले लग के भाग गई। फिर मैंने सोचा अब पढ़ता हूं क्या लिखा है। तो उसने लिखा था कि मुझे दिख रहा है कि आपके घुटने में दर्द है, क्योंकि आप जब उस पैर पे वजन डालते हो तो आपके चेहरे पे दिखता है कि दर्द। मैं आपको बताना चाहती हूँ, अरे वाइट वाले आ नीचे कर, आप वाइट छतरी तुम्हारी नहीं चल सकते, वाइट वाला आगे वाला, क्योंकि मेरे माता पिता नहीं चलने दे रहे, मगर मैं दिल में वाइट आपके साथ आपके साइड में चल रही, क्योंकि मैं जानती हूँ कि आप अपने लिए नहीं चल रहे हो, आप मेरे लिए चल रहे हो और आप मेरे भविष्य के लिए चल रहे हो। और उसी सेकंड में, पता नहीं अजीब सी बात है, उसी सेकंड मेरा दर्द उस दिन के लिए गायब हो गया। दूसरी बात, मैं चल रहा था और उस समय वहां पे थोड़ी सर्दी बढ़ रही थी, सुबह का समय था और चार बच्चे आए, पता नहीं कहना चाहिए या नहीं, तो कह देता हूँ, छोटे से बच्चे थे, भिखारी थे, मोबाइल भीख मांगते थे और मेरे पास आए, कपड़े नहीं थे, मैंने देखा शायद मजदूरी भी करते थे तो थोड़ी मट्टी थी उनपे, खैर मैं ये चीजें देखता नहीं हूँ, तो मैं उनके साथ गले लगा, घुटनों पे गया, ऐसे उनको पकड़ा मैंने, इसको बोलो छाता नीचे करो, क्योंकि मैं उनकी लेवल पे छाता नीचे यहाँ रहना चाहता था। दादा उनको बोलो चेयर से उतर जाए, और फिर नहीं सुनिए, चेयर पे खड़ा है व्हाइट जैकेट, मैं ये बात कहना नहीं चाह रहा था मगर कह दूंगा, चेयर पे खड़े तो उनको ठंड लग रही थी, वो कांप रहे थे, शायद उनको खाना नहीं मिला था, छोटे बच्चे मजदूरी कर रहे थे, तो मैंने सोचा कि अब अगर ये स्वेटर नहीं पहनते हैं, अगर ये जैकेट नहीं पहन रहे हैं तो मुझे भी नहीं पहनना चाहिए, मगर मैं झिझका क्यों आपको बताना चाहता हूँ, व्यक्ति थे, उन्होंने मेरे कान में बोला, राहुल जी यार, अरे उसको नीचे करो जैकेट, ये गंदे हैं, नीचे उतरो यार, इनके पास आपको चेयर में खड़ा होकर ताली बजा रहे हो, तो मैंने उनसे कहा
वो आपसे और मुझसे दोनों से साफ है। तो देश में कभी कभी ये विचारधारा दिखाई दे जाती है। दूसरी बात आपको बता देता हूं, शायद लोगों को अच्छी ना लगे, जब मैं चल रहा था आपने देखा होगा कि बहुत सारी महिलाएं रो रही थी, आपने देखा। आपको नहीं, उसमें से बहुत सारी महिलाएं इमोशनल थी, मुझसे मिलकर रो रही थी, मगर उसमें बहुत सारी ऐसी भी महिलाएं थी जिन्होंने मुझे बोला कि उनके साथ बलात्कार हुआ है, उनको किसी ने मोलेस्ट किया है, उनके किसी रिश्तेदार ने उनको मोलेस्ट किया है। और जब मैं उनसे बोलता था, बहन मैं पुलिस को बताऊं, तो मुझे कहती थी, राहुल जी पुलिस को मत बताइए, हम चाहते हैं कि आपको ये बात मालूम हो, मगर पुलिस को हमारा और भी नुकसान हो जाएगा। तो ये हमारी देश की सच्चाई है। ऐसी बहुत सारी और मैं कहानियां आपको बता सकता हूँ। तो फिर मैं कश्मीर की ओर आ रहा था और मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते पे मैं नीचे से ऊपर जा रहा हूँ, मैं सोच रहा था कि इसी रास्ते से सालों पहले मेरे रिश्तेदार नीचे से ऊपर आए, सॉरी ऊपर से नीचे आए, कश्मीर से अलाहाबाद छाता। और मुझे ऐसे लग रहा था, ऐसा लग रहा था कि मैं वापस अपने घर जा रहा हूँ। छाता घर मेरे लिए, जब से मैं छोटा था मैं सरकारी घरों में रहा, मेरा अपना घर नहीं है। तो मेरे लिए घर जिसको जो स्ट्रक्चर होता है उसको मैंने कभी घर नहीं माना। वो मेरे लिए, मैं कहीं भी रह लूं, वो एक इमारत होती है, वो घर नहीं होता। घर मेरे लिए एक जीने का तरीका है, एक सोचने का तरीका है। छतरी छतरी नीचे करो, सुनता नहीं है यार। और यहाँ पे जिस चीज को आप कश्मीरियत कहते हो उसको मैं अपना घर छाता। अभी कश्मीरियत है क्या? ये जो शिव जी की सोच है एक तरफ, और थोड़ी सी गहराई में जाएंगे तो उसको शून्यता कहा जा सकता है। अपने आप पर, अपने अहंकार पर, अपने विचारों पर आक्रमण करना, और दूसरी तरफ इस्लाम में जिसको शून्यता यहां कहा जाता है वहां फना कहा जाता है, सोच वही है। इस्लाम में फना का मतलब अपने ऊपर आक्रमण, अपनी सोच पर आक्रमण, जो हम अपना किला बना देते हैं कि मैं ये हूं, मेरे पास ये है,
मेरे पास ये ज्ञान है, मेरे पास ये घर है, उसी किले पर आक्रमण करना, वही है शून्यता, वही है पना। और इस धरती पे ये दो जो विचारधाराएं हैं, इनका एक बहुत गहरा रिश्ता है और ये सालों से रिश्ता है, जिसको हम कश्मीरियत कहते हैं। यही सोच बाकी स्टेट्स में भी है। गांधी जी वैष्णव जनतों की बात, जिसको हम यहां शून्यता फना कहते हैं, उसको गुजरात में वैष्णव जंतु कहा जाता है। असम में शंकर देव जी ने भी यही बात कही। कर्नाटक से हमारे यहाँ जो लोग आए हैं, वहाँ बसवा जी ने ये बात कही। केरल में नारायण गुरु ने ये बात की। महाराष्ट्र में ज्योतिबा फुले जी ने ये बात की। और यहाँ इसको हम कश्मीरियत कहते हैं, लोगों को जोड़ना और दूसरों पर आक्रमण नहीं करना, अपने आप पर आक्रमण, अपनी कमी देखना। कैमरा और क्लोज दिखाओ, इससे क्लोज नहीं जा सकते। मैंने आपको कहा कि मेरा परिवार कश्मीर से गंगा की ओर गया था, अलाहाबाद संगम के बिल्कुल किनारे वहां पास में हमारा घर है। तो जब यहां से वो वहां गए, उन्होंने कश्मीरियत की जो सोच थी उसको गंगा में डाला, गंगा में ले गए उस सोच को और उत्तर प्रदेश में उस सोच को फैलाया था। उत्तर प्रदेश में गंगा तहजीब कहा गया। लो ब्लैक, उसका छतरी लेकर हटाओ यहाँ से। तो उन्होंने मेरे परिवार ने छोटा सा काम, कोई बड़ा काम नहीं किया। छतरे आपने उनको सिखाया, जो जम्मू कश्मीर के लोगों ने उनको सिखाया, लद्दाख के लोगों ने सिखाया, क्योंकि उसमें धर्म भी है, उनके पास भी वही सोच, शून्यता की सोच उधर भी है। अरे हटो, वो देखो कुर्सी पे चढ़ गया। वो उसको ले गए और उस विचारधारा को, सोच को गंगा में उन्होंने रखा। तो मैं ये सोच रहा था, तो और आगे वो ब्लैक जैकेट जहां आ रहा लो छतरे चल रहा था लो। और मुझे उसको सिक्योरिटी वालों ने कहा था कि देखिए आप पूरे हिंदुस्तान में चल सको, जम्मू में भी चल सकते हो, मगर आखिरी जो चार दिन हैं कश्मीर में, आपको गाड़ी से जाना चाहिए। वेणुगोपाल जी ने मुझे कहा पहले, और जो ऑर्गेनाइज कर रहे थे उन्होंने कहा तीन चार दिन पहले एडमिनिस्ट्रेशन ने कहा कि देखिए, शायद डराने के लिए, कि देखिए अगर आप पैदल चलेंगे तो आपके ऊपर ग्रेनेड फेंका जाएगा। तो मैंने सोचा, कि ऐसे करते हैं, मैं अपने घर वापस जा रहा हूं, चार दिन पैदल चलूंगा, अपने
घर के जो लोग हैं उनके बीच में चलूंगा। और मैंने सोचा कि जो मुझसे नफरत करते हैं उनको क्यों ना मैं एक मौका दूं कि मेरी सफेद शर्ट का रंग बदल दें, लाल कर दें। क्योंकि मैं मेरे परिवार ने मुझे सिखाया है, गांधी जी ने मुझे सिखाया है कि अगर जीना है तो डरे बिना जीना है, नहीं तो जीना नहीं। तो मैंने मौका दिया, मैं चार दिन चलूंगा, बदल दो टी शर्ट का रंग, लाल कर दो, देखी जाएगी। मगर जो मैंने सोचा था वही हुआ। जम्मू कश्मीर के लोगों ने मुझे हैंड ग्रेनेड नहीं दिया, अपने दिल खोल कर प्यार दिया, गले लगे। और मुझे बहुत खुशी हुई कि उन सब ने मुझे अपना माना और प्यार से, बच्चों ने, बुजुर्गों ने आंसुओं से मेरा यहां स्वागत किया। मैं अब जम्मू कश्मीर के लोगों से और जो यहां हमारे सेना के लोग काम करते हैं, सीआरपीएफ के लोग काम करते हैं, उनको मैं कुछ कहना चाहता हूं। सबको, जम्मू कश्मीर के युवाओं को, बच्चों को, माताओं को, सबको, सीआरपीएफ के, बीएसएफ के, आर्मी के।